जिला परिषद परभनी, डिटेल एस्टीमेट सीसी रोड, मेजरमेंट शीट। मेजरमेंट शीट में अब तक देखिए हमारे यहाँ 9 आइटम हो चुके हैं, उसी तरीके से रेट एनालिसिस, उसमें भी हमने 9 आइटम कंप्लीट कर लिए हैं। एब्स्ट्रैक्ट शीट, उसमें भी हमने 9 आइटम कंप्लीट कर लिए हैं। ये मटेरियल की शीट है जो हमने रॉयल्टी चार्जेस के लिए बनाई है, इसमें 9 आइटम नहीं है। हम इसमें वही आइटम लेते हैं जिन्हें मटेरियल लगता है। आज हम ये पीसीसी के लेयर का आइटम करेंगे, M10 का। ये लेवलिंग कोर्स होता है और इसकी विड्थ देखो 4 मीटर है, लेंथ हम वही रखेंगे। ये मेरा मेजरमेंट शीट है। सबसे पहले यहाँ मैं डॉटेड लाइन लेकर आता हूँ, पेज लेआउट, साइज A4। अब ऐसा आइटम कॉपी करेंगे जिससे हमारा काम कम हो और काम करने में गलती भी ना हो। तो मुझे जो कॉपी करना है, तो मैं ये 2 नंबर का आइटम कॉपी करता हूँ जिसमें मुझे बहुत सारी चीजें मिल जाएगी सिमिलर। ये होम टैब है, ये कॉपी है, माउस का व्हील इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। यहाँ क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद देखिए, जो हमने ये सिलेक्शन किया था, इस सिलेक्शन को छोड़ने के लिए कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करेंगे। यहाँ क्लिक करके मैं इसकी साइज थोड़ी बढ़ा देता हूँ। ये कोई जरूरी नहीं है कि यहीं क्लिक करना चाहिए। अगर आप यहाँ भी क्लिक करेंगे और इस रो के बॉटम में जब आपका कर्सर आता है या पॉइंटर आता है, तो किस तरीके से वो शेप बदल जाता है, और उसके बाद माउस का बटन प्रेस करके इसकी साइज ऐसी बढ़ाई जा सकती है। ये 9 नंबर है। अब इसके लिए मुझे 10 नंबर करना है, तो यहाँ इक्वल, यहाँ पर क्लिक, +1, एंटर। एक बार फिर से बतलाता हूं मैं, यहाँ क्लिक करेंगे, इक्वल, इस पर क्लिक करेंगे, +1। तो ये 10 नंबर हमारा आइटम हो गया। यहाँ मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ सिलेक्ट करके 24.01, ये SSR नंबर था मेरा। ये SSR है मेरे पास, 24.01 ये नंबर है हमारा। ये SSR आइटम नंबर, ये डिस्क्रिप्शन, ये उसका स्पेसिफिकेशन, ये यूनिट और ये रेट। मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ, उसके बाद कंट्रोल ए करता हूँ, उसके बाद कंट्रोल सी। ये मेजरमेंट शीट है हमारा। यहाँ डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद कंट्रोल ए, उसके बाद कंट्रोल वी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये पेस्ट हो चुका है। यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, इसे ड्रैग करके सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी। ये मेजरमेंट शीट है हमारा। यहाँ डबल क्लिक करेंगे, आखिर में क्लिक करके कंट्रोल वी करेंगे। जो एस्टिमेट का आइटम नंबर है वो दुरुस्त हो चुका है, जो SSR का नंबर है वो दुरुस्त हो चुका है, डिस्क्रिप्शन दुरुस्त हो चुका है। अब मेजरमेंट देख लेते हैं। तो ये जो मेजरमेंट है हमारा, लेकर यहाँ तक 4 मीटर है। तो देखिए, ये 1 1 रहने देंगे, ये 100 मीटर जो है, 100 मीटर है उसे भी रहने देंगे, 4 मीटर को भी रहने देंगे, और थिकनेस 100 mm भी रहने देंगे। इसे कैलकुलेटर से चेक करना जरूरी है, और उसके बाद ये आइटम यहाँ पर देखिए फाइनल हो जाता है। तो यहाँ मेजरमेंट कंप्लीट हो चुका है हमारा आइटम नंबर 10 का। अब हमें इसका रेट एनालिसिस बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बॉर्डर लेकर आते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे, साइज A4। ये डॉटेड लाइन है, मैं इसे बॉर्डर कह रहा हूँ। रियल में ये बॉर्डर वगैरह नहीं है, लेकिन इससे आइडिया मिल जाती है हमें कि ये पेज का एक तरीके का डमी बॉर्डर है। अभी ये जो आइटम हमें बनाना है, इसका जिसका रेट एनालिसिस करना है, इसे मटेरियल भी लगता है। जब मटेरियल लगता है तो ये लीड का इस्तेमाल होगा। इस आइटम को जो मटेरियल लगता है वो सीमेंट लगेगा, सैंड लगेगा, क्रश मेटल लगेगा जो कि 40 mm से कम होगा, और क्रश मेटल 40 mm। इस तरीके से इसे 4 मटेरियल लगेंगे। तो देखिए, ऐसा आइटम कॉपी करना होगा जिससे हमें कम से कम काम करना पड़े। तो यहाँ पर एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। तो हमारे पास जो अभी अवेलेबल आइटम है उसमें सब में एक एक है, तो कोई भी कॉपी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आइटम नंबर 1 कॉपी करता हूँ, यहाँ पर कॉपी करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्लिक करके मैं पेस्ट कर देता हूँ। सिलेक्शन छोड़ने के लिए कीबोर्ड से स्किप प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पर आइटम नंबर है, डिस्क्रिप्शन है, SSR का आइटम नंबर है, और यूनिट है। ये 4 चीजें आती है हमारी मेजरमेंट शीट से, उसे लेकर आते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, इक्वल,
मेजरमेंट यहाँ क्लिक करके एंटर कर देना है। यहाँ क्लिक करेंगे इक्वल मेजरमेंट यहाँ क्लिक करना है और एंटर करना है। इक्वल करेंगे मेजरमेंट शीट यहाँ क्लिक एंटर। उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे इक्वल मेजरमेंट और यहाँ पर क्लिक करके एंटर कर देना है। यहाँ क्लिक करके आप फॉर्मेट में जाकर ऑटो फिट कर सकते हैं जिसकी वजह से इसकी साइज फिक्स हो जाती है। देखो मैं इसको डिस्टर्ब करके समझाता हूँ इस पॉइंट को। अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो ये दुरुस्त हो जाता है। ये ऑलरेडी दुरुस्त था इसलिए ऐसा दिखाई दिया था, अभी मैंने फिर से बता दिया। अब इसमें देखो स्काडा का एक वर्ड मिलता है हमें, तो यहाँ स्काडा भी माइनस होगा और हमें लीड की जरूरत है। इसे मटेरियल लगता है तो लीड भी होगा। अब मुझे चार किस्म का लीड लगता है, तो देखिए चार ऐसे मुझे सिलेक्शन करना पड़ेगा और एक स्काडा के लिए, तो मैंने ये पांच सिलेक्शन किए हैं। आप इधर कहीं भी सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अंदाजे से सिलेक्शन किया है मैंने इंसर्ट शीट को। उसके बाद मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर टाइप करता हूँ सीमेंट। उसके बाद यहाँ डबल क्लिक करता हूँ और सीमेंट का रो देखिए मेरा पांच है, तो यहाँ पर भी चेंज किया जा सकता है और यहाँ भी चेंज किया जा सकता है, यहाँ से भी पांच किया जा सकता है उसे। अब अगर मैं यहाँ डबल क्लिक करूंगा और यहाँ ऊपर देखेंगे अगर हम, तो देखो ये पांच आ चुका है। इसी तरीके से छह सात और आठ, ऐसे चार लगने वाले हैं हमें। अगर इसको डबल क्लिक करके हमने देखा तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन मिलता है हमें। अब मैं इसको सिलेक्शन करता हूँ, यहाँ कॉपी करेंगे पेस्ट, यहाँ डबल क्लिक करता हूँ मैं और इसे पांच को कर देता हूँ छह, और यहाँ डबल क्लिक करता हूँ और सीमेंट को कर देंगे साइन। उसके बाद मुझे इसके सिलेक्शन करना है, देखो पूरा सिलेक्शन कर रहा हूँ मैं, कॉपी करेंगे, यहाँ पे डबल सिलेक्शन किया है मैंने और यहाँ पेस्ट कर देंगे। यहाँ डबल क्लिक करता हूँ मैं और यहाँ पे कर देंगे क्रश मेटल। ये बिलो 40 mm होता है तो मैंने लिख दिया यहाँ पे बिलो 40 mm। उसके बाद जो होगा वो 40 mm का होगा, तो मैं यहां से लेकर यहां तक सिलेक्शन करता हूं उसे, यहां से लेकर यहां सिलेक्शन करता हूं, कंट्रोल सी करेंगे, यहां नीचे डबल क्लिक करेंगे, सेंड को सिलेक्शन करके कंट्रोल वी करेंगे और ये जो बिलो का वर्ड है हमारा ये निकाल देंगे। पहला सीमेंट था उसका लीड का जो नंबर था रो का वो पांच है, दूसरा हमारा सैंड है जिसका छह था, और उसके बाद जो क्रश मेटल है बिलो 40 mm उसका सात था तो उसे सात कर देंगे, और उसके बाद जो 40 mm का था क्रश मेटल उसका आठ था तो उसे आठ कर देंगे। अब यहाँ चेक किया जा सकता है, यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो देखिए पहले में ये सीमेंट है पांच यहाँ पे दिखाई देता है, दूसरे पे यहाँ डबल क्लिक करते हैं और यहाँ चेक करते हैं तो देखो ये सैंड का छह है, यहाँ डबल क्लिक करेंगे और यहाँ अगर चेक करेंगे तो देखो बिलो 40 mm का सात है यहाँ, और उसके बाद आठवां नंबर देख लेते हैं यहाँ पर डबल क्लिक करके, यहाँ दिखाई देता है ऊपर यहाँ सिलेक्शन रहता है उसका, तो 40 mm। अब हमारा यहाँ पर जो शुरुआत है यहाँ यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और अगर इंसर्ट शीट करो तो उसके ऊपर रो बढ़ता है। अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्शन करता हूँ, कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ क्लिक करके कंट्रोल वी करता हूँ, यहाँ पर माइनस 126 रुपये में टाइप करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर मुझे सिर्फ टाइप करना पड़ेगा डिडक्शन फॉर स्काडा, डिडक्ट फॉर स्काडा। तो यहाँ पर स्काडा वर्डिंग थी इसलिए मैंने ये 126 रुपये माइनस किया है। SSR में दिया हुआ है कंक्रीट के एटम को स्काडा जो माइनस करना है वो 126 रुपये है, तो कंक्रीट के हर आइटम में स्काडा वर्डिंग मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, जहां मिलेगा वहीं इसे माइनस करना होता है। अब ये रो ज्यादा हो रहे हैं तो मैं यहाँ सिलेक्शन करता हूँ और डिलीट शीट रो कर देता हूँ, यहाँ डबल क्लिक करके चेक करेंगे। अब SSR में से इसका रेट लेकर आते हैं, ये SSR है, टैब की का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, यहाँ डबल क्लिक करेंगे और इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ डबल क्लिक करेंगे और इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल वी। तो यहाँ तक देखिए हमारा आइटम नंबर दुरुस्त है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, SSR नंबर, यूनिट और रेट, और लीड भी दुरुस्त है, स्काडा भी माइनस कर लिया है। अब इसे देख लेते हैं कंजम्पशन को,
ये हमारा ड्राइंग है और ये SSR है। यहाँ डबल क्लिक करके मैं 517 टाइप करता हूँ, जिसकी वजह से ये थ्योरेटिकल रिक्वायरमेंट आ जाता है मटेरियल का। तो यहाँ पर देखिए, ये जो मेरा नंबर है यहाँ पर M10 दिखता है, तो कीवर्ड देखना होता है क्योंकि M10 के बहुत सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। देखो ये जो 3 नंबर पे वो भी M10 है, जो 5 नंबर पे वो भी M10 है। देखो मेरे को कीवर्ड जो है 5 नंबर पे है, तो यहाँ मैं ट्रिपल क्लिक करता हूँ। यहाँ ट्रिपल क्लिक करेंगे, ट्रिपल क्लिक करने की वजह से देखो ये सिलेक्शन हो गया है इसका। तो जो हमारा आइटम होता है उसके कीवर्ड देखना होता है कि क्या दिया हुआ है। 136 दिया होता, अगर यहाँ पर 1:3:6 दिया होता तो हम ये लेते। अभी उन्होंने M10 दिया तो हम ये ले रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है, देखो यहाँ पर M15 के भी कई आइटम दिए हुए हैं। 8 नंबर पे भी M15 है, 6 नंबर पे भी M15 है, 4 नंबर पे भी M15 है। तो कीवर्ड देखकर हमें वो कंजम्पशन लेना होता है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है सीमेंट, सीमेंट यहाँ बैग में दिया हुआ है और हमें लगता है वो मेट्रिक टन में। तो ये जो बैग है 4.4, इसको अगर मैं 20 से डिवाइड करूँ तो ये मेट्रिक टन बन जाता है। 4.4 है, अगर उसको डिवाइड बाय 20 से करेंगे तो ये 0.22 आता है। तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले सीमेंट के लिए यहाँ पर क्लिक करके 0.22 टाइप करना होगा, जिसकी वजह से मेरा ये सीमेंट दुरुस्त हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ सैंड दिया हुआ है, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डबल क्लिक करके इसे सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल वी करके एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ मेरा सैंड आ जाता है। उसके बाद देखिए मुझे क्रश मेटल लग रहा है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो ये क्रश मेटल है। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, 20 और 10 ये दोनों को प्लस करके हम बिलो 40 mm के कॉलम में लिखते हैं। तो मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्शन हो जाता है इसका, कॉपी करेंगे और ये जो क्रश मेटल है हमारा, यहाँ डबल क्लिक करेंगे और इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल वी करके एंटर कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ मैं, ये M10 है हमारा और ये 40 mm है। कंट्रोल सी कर सकते हैं हम सिलेक्शन के बाद, और यहाँ डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर देंगे और कंट्रोल वी करेंगे। तो हमने देखो सीमेंट लिया है जिसको मेट्रिक टन में किया है हमने कन्वर्ट, सैंड जैसे कि वैसे टाइप किया है क्योंकि वो क्यूबिक मीटर में ही लगता है। इसी तरीके से क्रश मेटल जो 40 mm से कम है वो भी क्यूबिक मीटर में लगता है, जैसे कि वैसे हमने कॉपी कर दिया। इसी तरीके से 40 mm क्रश मेटल भी जैसे कि वैसे कॉपी किया गया है क्योंकि वो भी हमें क्यूबिक मीटर में लगता है। इस तरीके से ये रेटालिसिस यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अभी से ये 4 मटेरियल लग रहा है, इसलिए इसका मटेरियल की शीट भी बनेगी। तो सबसे पहले मैं अगर कंट्रोल पी करूँ और उसके बाद इस बटन पे क्लिक करूँ या एस्केप प्रेस करूँ तो भी मुझे यहाँ पर देखिए बॉर्डर मिल जाता है। कोई भी आइटम कॉपी कर सकते हैं आप ये बनाने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्शन करता हूँ, कॉपी करेंगे और उसके बाद यहाँ मैं क्लिक करता हूँ और उसे पेस्ट करेंगे। सिलेक्शन छोड़ने के लिए कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करेंगे। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट रो हाइट और 40 टाइप करके एंटर कर देता हूँ। आइटम नंबर है ये, यहाँ पे इक्वल करेंगे मेजरमेंट शीट और यहाँ क्लिक करके एंटर कर देंगे। ये डिस्क्रिप्शन है, यहाँ क्लिक करना है इक्वल मेजरमेंट और यहाँ क्लिक करके एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे इक्वल करेंगे मेजरमेंट, यहाँ क्लिक करके एंटर कर देंगे। उसी तरीके से यहाँ क्वांटिटी होती है, यहाँ क्लिक करेंगे इक्वल करेंगे मेजरमेंट, ये क्वांटिटी है हमारी, एंटर कर देंगे इक्वल मेजरमेंट और ये यूनिट। इस तरीके से देखिए 4 चीजें आ चुकी है। अब हमें लगता है सीमेंट, सैंड, क्रश मेटल और क्रश मेटल 40 mm, ये 4 चीजें लगने वाली है मुझे। 1, 2, 3, 4 ये फैक्टर है और ये इसकी क्वांटिटी है, ये फैक्टर है और ये जो क्वांटिटी है इसकी है। तो कोई भी आइटम जो हमने पहले से बना के रखे हैं उसका फैक्टर और क्वांटिटी को कॉपी किया जा सकता है, किसे भी कर सकते हैं। तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और बिल्कुल इसके सामने यहाँ पर देखो पहला मेरा डी के अंदर सीमेंट है, फैक्टर है यहाँ पर, तो यहाँ क्लिक करके मैं पेस्ट करता हूँ। उसके बाद कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करता हूँ जिससे सिलेक्शन छूट जाएगा। अब मैं यहाँ क्लिक करूंगा इक्वल रेड एनालिसिस और ये पहला मेरा सीमेंट है, यहाँ क्लिक करके एंटर करूंगा। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ या यहाँ क्लिक करूँ तो यहाँ दिखाई देते हैं मुझे 22। तो
यहाँ डबल क्लिक करना है, ये भी 22 होना चाहिए और ये भी 22 होना चाहिए, तो इसे 22 कर लेते हैं, 22 कर लेते हैं। इसको डबल क्लिक करेंगे तो देखिए दोनों का कैलकुलेशन आ चुका है। अब ऊपर से कॉपी नहीं करना है बल्कि यहाँ से कॉपी करना है ये दोनों को, कंट्रोल सी करेंगे और ये फैक्टर है हमारा एफ के अंदर बिल्कुल उसके सामने, यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल वी करेंगे, स्किप प्रेस करता हूँ जिससे सिलेक्शन छूट जाएगा, यहाँ क्लिक करेंगे इक्वल रेट एनालिसिस और ये सैंड की क्वांटिटी हमारी, यहाँ पे क्लिक करके एंटर कर देंगे। इस तरीके से प्रॉब्लम आया था, यहाँ डबल क्लिक करना चाहिए जिसकी वजह से दुरुस्त हो जाता है। यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो देखो इसका और इसका कैलकुलेशन यहाँ आ चुका है। अब ये इसे भी कॉपी कर सकते हैं और इसे भी कॉपी कर सकते हैं, तो मैं इसे सिलेक्शन करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ और देखिए ये एच में फैक्टर है हमारा, यहाँ क्लिक करेंगे कंट्रोल वी करेंगे, सिलेक्शन छोड़ने के लिए कीबोर्ड से स्केप प्रेस करेंगे, यहाँ क्लिक करना है इक्वल रेड एनालिसिस और ये क्रस मेटल है, यहाँ क्लिक करके एंटर करेंगे। इसे सिलेक्ट करता हूँ मैं, कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पर देखिए फैक्टर है ये जे में 40 mm के लिए, यहाँ क्लिक करेंगे कंट्रोल वी, इसके प्रेस करता हूँ मैं, यहाँ क्लिक करेंगे इक्वल रेट एनालिसिस और ये 40 mm इंटर कर देंगे। इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ डबल क्लिक करके चेक करना है तो देखो सिलेक्शन मिलता है बरोबर, और साथ ही साथ इसे कैलकुलेटर से भी चेक करना होता है कि गलती तो नहीं होगी कहीं, और ये सारी चीजें भी अच्छी तरीके से चेक कर लेना होता है। तो इस तरीके से देखिए मटेरियल की शीट भी हमने कंप्लीट कर ली है। कंप्लीट करने के बाद, चेक करने के बाद यहाँ पर डबल क्लिक करके चेक करना है कि टोटल बरोबर ऊपर से नीचे तक है या नहीं, क्योंकि कभी कभी गलती हो जाती है, तो ये चेक कर लेना होता है अच्छी तरीके से। तो हमने जो आइटम अभी बनाया है उसे चेक कर लिया है, और साथ ही साथ आगे भी कोई आइटम कॉपी तो नहीं हो गया है वो भी देख लेना है, क्योंकि नहीं तो इधर गलती हो जाएगी। जो मटेरियल लगता है बस उसकी ही कॉपी पेस्ट होनी चाहिए। ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट शीट है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो ये बॉर्डर लाइन आ जाती है, ये दोनों को सिलेक्शन कर रहा हूं मैं, यहाँ क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ क्लिक करके पेस्ट पे क्लिक कर देंगे, सिलेक्शन छोड़ने के लिए स्केप प्रेस कर देंगे। मेजरमेंट से देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 चीजें आती है, तो 5 चीजों को लेकर आते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे इक्वल मेजरमेंट, यहाँ क्लिक करके एंटर करेंगे, मैंने क्लिक किया इक्वल किया मेजरमेंट, यहाँ पे क्लिक एंटर इक्वल मेजरमेंट, इस पर क्लिक करना है एंटर करना है, ये हमारा यूनिट है, क्लिक करेंगे इक्वल करेंगे और यहाँ पर यूनिट पर क्लिक करके एंटर कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वांटिटी है, इक्वल करेंगे मेजरमेंट और यहाँ पे क्लिक करके एंटर कर देंगे, यहाँ रेट है, यहाँ क्लिक करेंगे इक्वल रेट एनालिसिस और यहाँ क्लिक करना, ये ऊपर नहीं, इंटर करेंगे। इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, कर्सर देखिए कैसा है, इस तरीके से दुरुस्त हो जाता है। आइटम नंबर 10 की सारी चीजों को अच्छी तरीके से चेक कर लेना होता है, आइटम नंबर, डिस्क्रिप्शन, एसएसआर आइटम नंबर, यूनिट, क्वांटिटी, रेट और ये कैलकुलेशन भी। इस तरीके से देखिए मेजरमेंट में हमने काम किया, फिर रेट एनालिसिस में काम किया, फिर मटेरियल की शीट में काम किया और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट की शीट में काम किया। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये इस ट्रेनिंग का एक पार्ट था, एक ट्रेनिंग के तौर पे हम इसे बता रहे हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि बिल्कुल इसी तरीके से काम किया जाए, आपको जैसा पसंद हो वैसा काम कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि जब हम कुछ बात करते हैं या कुछ चीज समझते हैं या समझाते हैं तो बोलने में गलती होती है, मुमकिन है कि मुझसे भी बोलने में कुछ गलती हुई होंगी, कुछ टेक्निकल गलती हो जाती है, अगर ऐसी कोई गलती हो जाए तो हम उसे अगले वीडियो में दुरुस्त करेंगे। अब हमने ये जो 4 शीट में काम किया है मैं उसका पीडीएफ करके आपको दिखलाता हूँ कि ये आइटम किस तरीके से दिखाई देगा। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ क्लिक करता हूँ, फिर रेट एनालिसिस पे, फिर मटेरियल पे, उसके बाद कंट्रोल पी करता हूँ, यहाँ एक्सपोर्ट है, यहाँ पीडीएफ है, उसे मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, डेस्कटॉप, उसके बाद पब्लिश कर देंगे। ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट शीट है जिसमें आज हमने ये 10 नंबर का आइटम किया है, उसी तरीके से ये हमारी मेजरमेंट शीट है जिसमें ये 10 नंबर का आइटम हमने किया है, और उसी तरीके से ये रेट एनालिसिस है और इसमें ये 10 नंबर का आइटम है।
उसके बाद ये मटेरियल की शीट है जिसमें ये 10 नंबर का आइटम है। अब तक हमने जितने भी आइटम बनाए हैं तो उसमें देखिए ऐसे ही सीमेंट लग रहा था और वो 8.8 मेट्रिक टन लग रहा है। उसी तरीके से सीमेंट देखो यहाँ पर इतने लग रही है और क्रश मेटल इतना लग रहा है और क्रश मेटल 40 mm इतना लग रहा है। इसी तरीके से ओवर साइज पे हमने काम किया है 80 mm और 40 mm, तो इसकी क्वांटिटी इतनी लग रही है। रबल हमारा 0 है, मुरुम की क्वांटिटी हमारी ये है। ब्रिक्स इस एस्टिमेट में इस्तेमाल नहीं होने वाला क्योंकि सीसी रोड का एस्टिमेट है। स्टील भी हम इस एस्टिमेट में इस्तेमाल नहीं करेंगे जबकि सीसी रोड में स्टील आ सकता है।